बकवास, दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा पीयूसी, प्लीज। मैं नहीं दिखाऊंगा। हेलो, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे MBBS स्टडी इन फन। मैं हूँ सुमित पांडे, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और आज हम बात करेंगे बिहार के कटअप के बारे में। बहुत सारे लोग दादा why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. This is business. Hey. कल पूछ रहे थे, कल मैंने यूपी की वीडियो डाली थी, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर बिहार का कटअप क्या होगा, हाई जाएगा लो जाएगा। तो बिहार की कटअप एनालिसिस करने के बाद मैं आज बताऊंगा आपको, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक और नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ चैनल पे, कि अगर नीट एस्पिरेंट हैं और आपको आपके इस साल अगर कम मार्क आ रहे हैं, और अगर आप नीट 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ करूँगा कि आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले और नीट 2022 आपके लिए बहुत अच्छा हो, और नीट 2022 आपको एक गवर्नमेंट सीट दे के जाए। तो जो बच्चे नीट के एक्सपीरियंस हैं, जो नीट 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या उनके पेरेंट्स जो भी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस कोशिश करूँगा डालने की, बहुत जो उस स्टेज से गुजर चुका है उससे अच्छा गाइडलाइन मेरे हिसाब से कोई नहीं दे सकता। तो उस स्टेज से मैं पास आउट कर चुका हूँ, उस स्टेज से मैं जा चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कुछ हेल्प हो सके, और मेन पर्पज वही है कि आपकी कुछ हेल्प हो सके। और तो बात की जाए बिहार की, तो बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कटअप बहुत ज़्यादा हाई जाता है। इवन बिहार का कटअप आपके ऑल इंडिया कोटा से भी ऊपर चला जाता है। तो इसके रीज़न है कि बिहार में नए कॉलेजेस बहुत कम होते हैं, नए कॉलेजेस आते नहीं हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, यूपी के बाद मैक्सिमम बच्चे बिहार से एग्ज़ाम देते हैं, तो स्ट्रेंथ बच्चों की बहुत ज़्यादा है, कॉलेज की सीटें बहुत कम हैं, और नए कॉलेज आने का कुछ नए कॉलेजेस आते ही नहीं हैं, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से बिहार का कटअप बहुत हाई जाता है। तो बिहार की कटअप की अगर बात कर ली जाए, तो अगर 2020 के से की अगर बात की जाए, किसी भी कटअप को एनालाइज करने के लिए अगर प्रीवियस ईयर देखा जाए, तो 2020 में आपका जनरल के लिए जो गया था वो 616 गया था, 616 गया था, ऑल इंडिया जो क्लोजिंग रैंक थी सेकेंड राउंड के बाद वो 13,230 में मिला था आपका, मुजफ्फरपुर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था जनरल के लिए, और EWS के लिए जो ये था वो 598 था, और इस जो ऑल इंडिया रैंक थी उसकी 20,728 थी, और इसको माधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मिला था माधेपुरा का, और SC के लिए 457 गया था, और ST के लिए 487 गया था। बिहार में एक ट्रेंड चलता है कि बिहार में ST का जो कट ऑफ होता है वो SC से कम से ज़्यादा जाता है। इसका रीज़न है कि जो रिजर्वेशन की सीटें होती हैं वो SC के लिए थोड़ी सी ज़्यादा हैं ST के मुकाबले, तो ST का कट ऑफ जो जाता है वो ज़्यादा जाता है। तो ये बिहार में एक ट्रेंड चलता है। तो अगर बात की जाए इस साल कट ऑफ के लिए, ये तो पिछले साल का सीन हो गया, अगर बात की जाए इस साल कटअप के लिए, तो इस साल दो तीन चीज़ें हुई हैं। इस साल बिहार में लगभग 33% गर्ल्स कोटा का रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है, जो बिल अभी पता नहीं पास हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन मान के चलते हैं कि अगर वो पास हो जाता है तो गर्ल्स का जो कटअप होगा वो बॉयज़ के मुकाबले काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि बिहार में एक बिल लाया जा रहा है जिससे 33% रिजर्वेशन गर्ल्स को एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो ये गर्ल्स के लिए एक अपर हैंड होगा। हाँ, थोड़ा सा अफकोर्स बॉयज़ के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं की सीटें में से कहीं ना कहीं सीटें जाएंगी, लेकिन बेनिफिट होगा गर्ल्स के लिए। तो अभी ये पास नहीं हुआ है, लेकिन होप सो कि ये पास हो जाएगा, काउंसलिंग तक ये पास हो जाएगा, तो जिसके वजह से गर्ल्स से जो बॉयज़ की सीटें हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, और 33% रिजर्वेशन गर्ल्स में बढ़ जाएंगी, जिसके बाद से गर्ल्स की जो सीटें हो जाएंगी वो लगभग 372 हो जाएंगी, और बॉयज़ की जो सीटें हो जाएंगी वो 800 रह जाएंगी। तो अफकोर्स गर्ल्स की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी लो चली जाएगी बॉयज़ के मुकाबले, तो ये टोटल तीनों कैटेगरी में चली जाएंगी, इवन जनरल में, OBC में, EWS में, SC ST सबके सारी गर्ल्स में डिवाइड हो जाएंगी वो 33 कोटा। तो बात की जाएगा इस साल की कट ऑफ की, 2020 की 2021 की जो कट ऑफ की अगर बात की जाए, तो 2021 का जो कट ऑफ ट्रेंड रहेगा वो
काफी मेरे हिसाब से ज्यादा वेरी नहीं करेगा बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में नए कॉलेजेस कुछ ज्यादा आ नहीं रहे हैं। हाँ, ऑल इंडिया कोटा में नए कॉलेजेस आए हैं जिसके वजह से बिहार का कटअप थोड़ा लो जाएगा। और सेकेंड चीज, अगर पेपर में पेपर जैसे अगर लिखा जाए तो पेपर टफ आया था, और पेपर अगर टफ आया था तो ऑफकोर्स कटअप लो जाएगा। तो अगर पिछले साल 616 गया था अगर आपका जनरल का, तो इस साल चांस है कि बिहार का जो कटअप जाएगा उसके रेंज इस तरह से हो सकते हैं, जो अनरिजर्व है, अनरिजर्व के लिए जो कटअप होगा वो 608 से 610 तक जा सकता है। पिछले साल 616 गया था, तो इस बार ज़्यादा वैरी नहीं करेगा, 5 से 6 नंबर ही कम आएगा। तो अगर आपके नंबर 610 के रेंज में है तो आप सेफ फील कर सकते हो, 608-607 तक जनरल के जाने के पूरे चांसेस हैं। इतना ज़्यादा रेंज में इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें बढ़ी होंगी, हर स्टेट में नए कॉलेजेस आए हैं, हर स्टेट में कुछ कॉलेजेस खुलेंगे, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको अभी तक नोटिस नहीं आया कि वो खुलेंगे नहीं खुलेंगे। तो ऑल इंडिया लेवल पर इतनी ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं तो कैसे इफेक्ट करेंगी स्टेट कोटा की काउंसलिंग को, कैसे वो वेरी कर देंगी ये कट ऑफ को, ये ट्रेंड कैसे वो सेट करेंगी, ये अभी तक नहीं पता चला है। और बात की जाए EBC की, जो EBC कैटेगरी होता है उसका 570 से 575 जा रहा है। बात करें EWS की तो 595 से 605। अगर आप मान के चलिए आप अपर रेंज भी लीजिए तो 605 EWS के लिए सेफ स्कोर होगा। बात कीजिए अगर BC की तो BC की 595 से 600 तक जा सकती है। बात कीजिए अगर SC की तो SC की जो कटअप जाएगी वो SC की कटअप 440 से 445 तक जाएगी। और बात की जाए अगर ST की तो ST कटअप मैंने जैसे बताया कि ST कटअप जो जाती है वो SC से ज़्यादा जाती है, तो 565 से 570 सेफ स्कोर होगा ST के लिए। तो ये सारी कटअप रेंज होगी जो बिहार के लिए वेरी करेगा। और निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। कि नए कॉलेजेस बिहार में कुछ आ नहीं रहे हैं, बिहार की मतलब बच्चे बढ़ते जाते हैं, हर साल बच्चे बढ़ते जाते हैं, और बस जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं वही इफेक्ट करेंगी बिहार की काउंसलिंग को। और अगर आप नीट 2022 देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं खुद एक नीट एक्सपीरियंस रह चुका हूँ, मुझे पता है कि कैसे क्या क्या डिफ़िकल्टी आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प कर सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ, आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आपको सॉल्व कर सकूँ। क्योंकि एक ड्रीम होता है डॉक्टर बनने का, एक ड्रीम होता है वो वाइट एप्रन पहनने का। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का हेल्प कर सकूँ, और आप एक हेल्प कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बिहार के अगर आप हो और आपको काउंसलिंग के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। और अगर आप 2022 का नीट देना चाहते हैं तो आपको गुड लक, ऑल द बेस्ट, और मैं आपके साथ रहूँगा। और कुछ भी दिक्कत होगी ये पूरे साल तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कमेंट में कर सकते हो। मेरा बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे बेनिफिट ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मैं हेल्प कर सकूँ, जिससे